Hey guys and welcome back to another video. आज हम कुछ स्ट्रीट फोटोग्राफी करने के मोटिव से आए थे. तो अभी हम कुमार कॉलोनी हैं, पॉटर्स कॉलोनी और विलेज, कुमार गांव, कुमार कॉलोनी कुछ भी बोल सकते हैं. तो हम यहाँ जस्ट कुछ शूट करने आए थे एंड मेरे साथ रतनदीप भी हैं. तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग शूट हो सकता है एंड चलते हैं आगे. एंड आई ऑब्वियसली शेयर सम फोटोज विद यू गाइस. तो अभी हम मैं और रतनदीप हम कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे. तो मैं ट्राई कर रहा हूँ 35mm पे मोस्टली फ़ोटोज़ लेने के लिए. तो इस वीडियो का थीम क्या रखेंगे, स्ट्रीट फोटोग्राफी है 35mm. इस तरह से कुछ चैलेंज करते हैं बिकॉज मैं जो भी फ़ोटोज़ खींच रहा हूँ 35mm पे ही शूट कर रहा हूँ. तो ये वीडियो 35mm स्ट्रीट फोटोग्राफी चैलेंज पे रहेगा. तो अभी हम ऐसे ही कुछ शूट कर रहे थे, कुछ जगह ढूंढ रहे थे. सो लकीली हम एक जगह गए जहाँ पे जो बना रहे थे मटके वगैरह वो खुद वेडिंग फोटोग्राफर थे. तो रतनदीप और मैंने उनके कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं जो आपने अभी देखे थे. तो इंटरेस्टिंग काफ़ी स्टोरीज बताई उन्होंने, काफ़ी हमने उनसे बात किया. तो इतना ईजी नहीं है यहाँ पर शूट करना, काफ़ी लोग अलाउ नहीं करेंगे. जो कर रहे हैं उनके यहाँ आराम से 10-15 मिनट शूट कर रहे हैं. तो आगे भी चलते हैं, कुछ देखते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक हो सकती हैं तो शेयर करेंगे आपके साथ. यहाँ पे आप देख सकते हो आई थिंक यहाँ ऊपर भट्टी लगी हुई है जहाँ से ये पूरा बनाते हैं. तो सेटिंग्स जो मैं मोस्टली यूज़ कर रहा था वो था एपर्चर या शटर प्रायोरिटी. एपर्चर प्रायोरिटी अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ जब मेरे को डेप्थ ऑफ फील्ड इतना चाहिए कि मैं एनवायरनमेंट दिखा सकूं, बिकॉज यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं 1.8 या 2.8 पे शूट करूं. मोस्टली मैं 4 या 5.6 पे ट्राई कर रहा था सो दैट एनवायरनमेंट पोर्ट्रेट जो मैं दिखा रहा हूं वहाँ पे जो सराउंडिंग है वो भी अच्छे से दिख सके. शटर प्रायोरिटी मैंने यूज़ किया जब मेरा प्रायोरिटी था कि थोड़ा स्लो मोशन कैप्चर करना है, जब जिस पे मटका बनता है वो जब रोटेट हो रहा होता है उस चीज़ के लिए. तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो मैंने मोस्टली यूज़ किया था एपर्चर या शटर प्रायोरिटी. और एक और बड़ा चैलेंज जो आपको यहाँ मिल सकता है वो है कि हर कोई अलाउ नहीं करेगा फ़ोटोज़ क्लिक करना. तो आपको परमिशन लेके यहाँ पे शूट करना पड़ेगा. सो इट्स बेटर आप जिनके भी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं पहले पूछ लो, बिकॉज मोस्टली लोग घरों में बना रहे होते हैं तो वहाँ अंदर जाने के लिए एक बार परमिशन मांगना है. कई लोग काफ़ी अच्छे हैं, ईजिली अलाउ कर देते हैं अंदर आने का. तो अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था एंड मेरे को कुछ पॉइंट्स ध्यान आए जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं. जिनमें से सबसे पहला पॉइंट है कि आप ट्राई करो कि वहाँ जो लोगों की प्राइवेसी है उसको हम थोड़ा रिस्पेक्ट करें. आप अगर एज अ फोटोग्राफर आप अकेले जा रहे हो या ग्रुप में जा रहे हो, स्पेशली जब आप ग्रुप में जा रहे हो ट्राई करो कि आप पहले उनकी परमिशन मांगो एंड देन आप शूट करना स्टार्ट करो. बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग फैमिली में काम करते हैं मोस्टली, इट्स दीज आर फैमिलीज जो अंदर काम कर रहे हैं एंड कई लोग घर में ही बना रहे होते हैं मोस्टली. तो वहाँ पे इट्स बेटर आप पहले परमिशन मांगो बिकॉज आप उनकी प्राइवेसी में कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हो. अगर वो हैप्पीली अलाउ करते हैं जो काफ़ी लोगों ने हमें किया तो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आपको मिल सकती हैं. इसी से मेरा दूसरा डिस्कशन का पॉइंट निकल के आता है जो है इंटरैक्ट विद दी पीपल ओवर देयर, जो लोग वहाँ पे बना रहे हैं मटके गमले जो भी चीज़ें बना रहे हैं.
जाते ही आप अगर शूट करना स्टार्ट कर दोगे तो हो सकता है इतना अच्छे शॉट्स ना मिलें। हमने क्या किया है, मोस्टली मैं क्या करता हूँ स्ट्रीट फोटोग्राफी में, ऐसी सिचुएशंस में मैं लोगों से पहले जाके बात करता हूँ 5-7 मिनट, आई गेट टू नो देम, मैं उनसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ उसी बारे में जो वो लोग करते हैं उस एरिया के बारे में, देन मैं शूट करना स्टार्ट करता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जो डिफरेंस आएगा आपकी फ़ोटोज़ में वो काफ़ी मेजर डिफरेंस आ सकता है। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप इस तरफ आ रहे हैं फोटोग्राफी करने, अभी 5:15 हो रहे हैं और अभी लाइट ऑलमोस्ट ख़त्म होना शुरू हो गई है, बिकॉज़ जो ये लोकेशन है आइडियली जो कॉलोनीज़ हैं जो गलियाँ हैं बहुत पास पास है तो लाइट इतना अंदर नहीं आ पाता, इस वजह से हमें भी यहाँ पे अब 5:15 हो रहे हैं, हमें रैपअप करना पड़ रहा है तो यहाँ पे शूट ख़त्म करेंगे। बाकी जो फ़ोटोज़ हैं वो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, सो डू कमेंट एंड लेट मी नो योर व्यूज़, अगर आप ऑलरेडी आए हो तो वो भी बताना। और जैसे आज हमने 35mm चैलेंज किया, इस तरह का आई एम थिंकिंग इंस्टाग्राम पे कुछ शुरू करते हैं जहाँ पे एक जो हैशटैग होगा मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, आप 35mm से स्ट्रीट फोटोग्राफी करके उस हैशटैग पे शेयर कर सकते हो एंड जो सेलेक्टेड होंगी आई ट्राई टू रीपोस्ट देम, तो हैशटैग यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।